हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेयर केयर विद सोनम। सो आज कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स, बेसिक चीज़ें जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने सीखा है अपने हेयर केयर जर्नी में, जिसको फॉलो करने से आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी देखने को मिले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हमारे हेयर अच्छे नहीं है, ड्राई है, फ्रीजी है। सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस हैं मेरे कमेंट्स में बहुत आते हैं, जितना मैं जितना जल्दी हो सके सबको रिप्लाई कर देती हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं कुछ बेसिक स्टेप्स ही बता देती हूँ आप लोगों को, जो आपको लाइफ टाइम फॉलो करना है इफ़ यू रियली लव योर हेयर। बालों से प्यार किसको नहीं है गाइज, हर किसी को अपने बालों से प्यार होता है, स्पेशली लड़कियाँ। आजकल तो लड़कियाँ ही क्या, लड़कों को भी अपने बालों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, होना भी चाहिए। आपके बाल ही आपकी पर्सनालिटी है गाइज, आपके हेयर स्टाइल ही आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है कि आप कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप अपने बालों का कितना ख्याल रखते हो। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे जो कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना आप लोगों को ज़रूरी है, जो काफ़ी लोग अपनी एवरीडे बिजी लाइफ में ध्यान नहीं दे पाते और उसे कैसे भी कर देते हैं हुआ है। आपको नहीं पता, आप नहीं सोच सकते हो कि हेयर की प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से शुरू हो सकती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना रहता है अपने एवरीडे हेयर केयर रूटीन में, जिससे आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे अपने हेयर केयर जर्नी में। कुछ नहीं तो सही, आपके बाल अच्छे दिखना तो शुरू ही हो जाएंगे, आई कैन गारंटी यू दैट। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलरेडी आप लोग मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हो, मेरे वीडियोस काफ़ी लोगों को पसंद आ रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू एवरी वन कि मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट कर रहे हो और आप लोग आगे बढ़ा रहे हो, शेयर कर रहे हो। इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जी, बात हो रही थी बेसिक हेयर केयर के बारे में, चलिए फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला है ऑयलिंग। अब ऑयलिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जो अगर आप लोगों को पता हो कि इसे करना किस तरीके से है, तो आप कभी भी ऑयलिंग करना नहीं छोड़ोगे। यस, काफ़ी लोग ऑयलिंग नहीं करते हैं, एक एक दो दो महीना मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में ही है, छः महीने वो लोग ऑयल को देखते भी नहीं है, एंड देन वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं 6 महीने से ऑयलिंग नहीं करूँगा बट मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है गाइज, आपको ऑयलिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। इसीलिए ऑयलिंग हमेशा आपके सीजन के हिसाब से चेंज होना चाहिए, विंटर, रेनी, समर। अब यहाँ पे देखिए, हम बचपन से ही ऑयलिंग करते आए हैं। हाँ, हमारी जो मम्मी होती है वो हमें ऑयलिंग करती थी, हम ओवरनाइट रखते थे, 2 दिन तक रखते थे, बालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम बचपन से ही ऑयलिंग कर रहे हैं, इसी तरह से कर रहे हैं, बट आज अगर ऐसा कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। गाइज, हम बचपन में अलग थे, हमारे बचपन में बाल अलग थे, हमारा खाना पीना अलग था, हमारा सब कुछ अलग था। तो ये टाइम होता है ना जब हम मेच्योर्ड हो जाते हैं, वी आर 20+, 25+, आई कैन सिंपली से यू के स्टॉप डूइंग ओवरनाइट ऑयलिंग। ओवरनाइट ऑयलिंग हर किसी को सूट नहीं होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं हमारा शेड्यूल अलग होता है गाइज, हम किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। बचपन में हम तेल लगाकर कभी नहीं घूमते थे बाहर, या कुछ काम नहीं करते थे, या हमको खाना बनाना नहीं पड़ता था, या हम ट्रैवलिंग नहीं करते थे, इसलिए हम बालों में एक एक दो दो दिन तेल छोड़ भी देते थे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट नाउ इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम जब आप ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग छोड़ते हो, स्पेशली फॉर ऑयली स्काल्प, जिनको बालों में या उनके स्काल्प पसीना आता है, जिनको उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आपके बालों में से स्मेल। सबसे पहले तो स्काल्प में स्मेल आने हो जाती है काफ़ी लोगों को हो जाती है ये प्रॉब्लम, एंड देन उसके बाद जब वो चीज़ वहाँ पे ठहर जाती है, उस मेल जम जाते हैं ज़्यादा, फिर उससे होता है स्काल्प इन्फेक्शन, खुजली वगैरह, वाइट फ्लेक्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि विंटर है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, देन यू कैन डू ओवरनाइट ऑयलिंग। समर है, रेनी है, मेक श्योर कीजिए कि आप नहाने के 2 घंटा पहले ऑयलिंग कर दीजिए और अपने बालों को वॉश कर दीजिए। ऑलवेज मेक श्योर कि आप कोई भी हेयर केयर रूटीन जब स्टार्ट करते हैं तो अपने हेयर केयर टाइप को जानना बहुत ज़रूरी है, कि आपका हेयर स्काल्प ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन हाई, मीडियम, लो पोरोसिटी, इसमें से कौन सा आपका हेयर पोरोसिटी है वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे चैनल पे वीडियो सर्च कर दीजिए, आपको हेयर पोरोसिटी के रिलेटेड कैसे उसे चेक करना है वो भी मिल जाएगा। सेकेंड है हमारा कॉम्बिंग, बालों को कंघी करना।
अब ये काफी लोग सोच रहे थे इसमें क्या करना है, ये इसी में तो सब कुछ करना है गाइस। यही तो मैंने कहा है कि बेसिक चीजों का जब आप ध्यान दोगे तो आपके बाल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। दिन में 2 बार ही आपको कॉम करना है, वो कब करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नहाने से पहले बालों को कंघी करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब आप नहाने जाते हो आपके बालों में टैंगल्स होते हैं, नॉट्स होते हैं। अगर आप बगैर कंघी करे बालों को वॉश करने चले जाते हो, कंडीशनर हो, शैम्पू हो, वो जब आप करोगे वो नॉट्स टूटने नहीं वाले, अगर टूट भी जाएंगे तो उसके साथ आपके बाल भी टूट जाएंगे। उसके बाद जब आप अपने बालों को हेयर ड्राई करते हो और जब कंघी करते हो, आप नोटिस करते होगे आपके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज हेयर वॉश करने से पहले आपने कॉम्बिंग नहीं किया है। सो वॉश करने से पहले, शैम्पू लगाने से पहले अपने बालों को कॉम करें। उसके अलावा जब आप कॉम्बिंग नहीं, जब आप हेयर वॉश नहीं लेने वाले हो, रात में सोने से पहले कॉम करना बहुत कंपलसरी है। सोने से पहले एक बार हल्के हाथों से अपने बालों का टैंगल निकाल दीजिए, इजीली एक एक सेक्शन निकाल कर आप अपने बालों को कॉम कीजिए, आप अपने फिर आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू कीजिए। बट सोने से पहले एक बार हल्के हाथों की कॉम्बिंग करना इज इम्पॉर्टेंट। अब कॉम्बिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 तरह की कॉम्बिंग होती है, जैसे एक नॉर्मल आप वाइट टूथ लेकर कॉम्ब कर सकते हो जिससे हेयर फॉल कम होते हैं। दूसरा, अगर आपके पास वुडन कॉम्ब है बहुत ही अमेजिंग है, वुडन कॉम्ब से हेयर फॉल गिरने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ये रहा व्हाइट टूथ कॉम्ब, ये रहा वुडन कॉम्ब। वुडन कॉम्ब मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, नीम के भी आते हैं, बहुत ही अमेजिंग होता है, जरूर ट्राई कीजिए। अब ये मैं कब यूज करती हूँ, ये नहाने से पहले यूज करती हूँ, बिकॉज व्हाइट टूथ कॉम्ब जो होते हैं ना वो आपके बालों को टैंगल इजिली निकालते हैं और जल्दी और ज्यादा हेयर फॉल नहीं होते। सो ऑलवेज कॉम्ब फ्रॉम डाउनवर्ड्स, नीचे से ऊपर आपको कॉम करना है, ऊपर से नीचे करोगे तो आपके बाल फंस जाएंगे। सो ऑलवेज डिटैंगल योर हेयर फ्रॉम बॉटम। इस तरह से कॉम्बिंग करते 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 आहिस्ते आहिस्ते ऊपर आइए, फिर इस तरह से कॉम्बिंग कीजिए। ऑलवेज ऑलवेज फॉलो दिस टेक्निक, इस तरह से आपके बाल जल्दी नहीं टूटेंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट द वुडन कॉम्ब, बालों में ऐसा फील भी नहीं होगा आप कॉम्ब कर रहे हो, फील भी नहीं होगा, लेकिन इजीली आपके पूरे बालों की टैंगल नॉट्स वगैरह बहुत आराम से ये निकाल देता है। हेयर फ्रिक्शन इससे ज़्यादा नहीं होता, इसलिए जब आप वुडन कॉम्ब यूज़ करते हो तो आपके बालों में बहुत ही अमेजिंग सा एक बूस्टनेस आता है और आपके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। एंड उसके अलावा कॉम्बिंग आपको कब नहीं करना है वो चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी लोगों को हैबिट है कि नहाने के बाद वो कॉम्ब करते हैं अपने गीले बालों पर। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू डू। कभी भी अपने गीले बालों पर कंघी नहीं करना है। हेयर फ्रिक्शन होता है जिससे आधे बाल हेयर से टूट जाते हैं। काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा आधे बाल कटे हुए, आधे बाल लंबे हैं। इट्स ऑल बिकॉज आप गीले बालों में कंघी करते हो तो फ्रिक्शन के वजह से आधे बाल टूट जाते हैं। सो डू नॉट, कभी भी गीले बालों पर कंघी नहीं करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पे, जो है हमारा शैम्पू एंड कंडीशनर। यस, शैम्पू एंड कंडीशनर इज ऑल्सो बेसिक स्टार्ट जिसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे शैम्पू की, मैंने नहीं, आप लोगों ने अपने घर में कहीं ना कहीं देखा होगा कि कैसे भी लोग शैम्पू और कंडीशनर करते हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट कि उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। अरे आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा ना, आप कैसे भी लगा दोगे, वॉट डू यू। अब यहाँ पे शैम्पू कंडीशनिंग आपको करना मैं बता रही हूँ। ऑलवेज ऑलवेज अप्लाई द शैम्पू ऑन योर स्कल्प, बिकॉज आपका शैम्पू करने का मतलब यही होता है कि आपके स्कल्प में जो भी गंदगी, जो भी मैल, जो भी एक्टिव, जो भी सिरम वगैरह आपने उस बीच लगाया है, उसके अगर कुछ भी पार्टिकल्स रह गए हैं आपके स्कल्प में, उसे वॉश करने का काम होता है शैम्पू का, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, शैम्पू आपको अपने स्कल्प में लगाना, फोकस करना, आपके बालों में घसने की फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके बालों को वॉश नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली जब आप अपने स्कल्प में घसोगे, जब आप पानी डालोगे तो शैम्पू रिंस होकर नीचे ही जाएगा और वो क्लीन कर देगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर स्कल्प, शैम्पू अपने स्कल्प में लगा कर ही उसे रब कीजिए, उसी से आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा कंडीशनर। नाउ कंडीशनर होता है आपके बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की बनाने के लिए। उसमें रूट का या आपके स्काल्प का कोई लेना देना नहीं होता है। सो अगर आपके बालों को सिल्की एंड बाउंस बनाना है तो आपको अपना कंडीशनर लगाना है अपने बालों के एंड्स पर। अपने बालों के एंड्स पर लगाइए, अपने स्काल्प में मत लगाइए। बालों के एंड में लगाकर तुरंत हेयर वॉश नहीं करना है। काफ़ी लोगों को देखा है मैंने, जब आप कंडीशनर लगाते हैं तो आप तुरंत पानी डाल देते हो, राइट।
लगाते हो, वो ही गलती होती है। इसीलिए आपके बाल जल्दी सॉफ्ट नहीं होते जब आप अपना कंडीशनर लगाते हो। आप एटलीस्ट 60 सेकेंड, 1 मिनट वेट कर लीजिए। उस समय मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं कंडीशनर लगा लेती हूँ ना, मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ या मैं कुछ अपने पैरों को वॉश कर लेती हूँ, ऐसा कुछ कर लेती हूँ। तो आप जब अपने बालों में कंडीशनर लगाएंगे उस समय कुछ और चीज़ों का क्लीन कर लीजिए। एक मिनट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। फिर 1 मिनट होने के बाद आप पानी डालिए और रिंस कीजिए एंड देन सी द रिजल्ट। फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कहोगे कि सोनम क्या ही बात बोल दी आपने, ये तो पता ही नहीं था। इसके बाद आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके बाल इतने ज़्यादा स्मूथ शाइनी हो जाएंगे। कोई भी कंडीशनर लगाओ, बस टेक्निक आपको इस तरह से फॉलो करना है एंड यू विल सी द चेंजेस इमिजिएटली। शैम्पू और कंडीशनर लेने से पहले अगेन हेयर टाइप चेक कीजिए और आपका हेयर पोरोसिटी चेक कीजिए। उसके रिलेटेड ही आपके बालों को जो शैम्पू सूट करता है वो यूज़ कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि जितना हो सके आप केमिकल फ्री, कम केमिकल वाले शैम्पू ही इस्तेमाल करें या होममेड शैम्पू इस्तेमाल करें, वो तो बेस्ट है। उसका इस्तेमाल करें जिससे कि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो या हेयर फॉल या हेयर इशू की कोई प्रॉब्लम। आता है हमारा बेड टाइम हेयर केयर, जो बहुत लोग नहीं करते हैं। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है कि नहीं करते हैं, जिसमें सिर्फ 5 मिनट देना होता है, लेकिन आप में से कोई वो 5 मिनट नहीं देता है। एंड देन आप लोग कहते हैं कि सोनम हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल में ये प्रॉब्लम हो रहा है, हेयर फॉल में वो प्रॉब्लम हो रहा है। हो गई ना, आपको अपने बालों से अगर प्यार है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। रियल लाइफ में जब आप किसी से प्यार करते हो, आप उसके लिए कितनी शिद्दत से क्या कुछ नहीं करते हो, राइट? ये तो हमारे अपने खुद के बाल है, हम अगर इसके लिए नहीं करेंगे तो फिर हम तो नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे बालों के साथ, करेक्ट? तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपको अपने बालों को सोने से पहले 5 मिनट देना है। अब बताती हूँ मैं उन 5 मिनट में करना क्या है। आपको 5 मिनट में आपको करना है स्काल्प मसाजिंग, मतलब हेड मसाज। ये आपको हर दिन करना है, एवरी सिंगल डे 2 मिनट का हेड मसाज या स्काल्प मसाजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इससे होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, बाल ग्रो होते हैं। सोने से पहले एकदम अच्छी वाली जब आप मसाज ले लोगे ना, एकदम प्यारी सी नींद आएगी, स्ट्रेस फ्री वाली, जो बहुत ही अच्छा है आपके बालों के लिए। जितनी अच्छी नींद मिलेगी उतना अच्छा आपके बॉडी फंक्शन करेगा, आपके बाल उतने ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। तो इसीलिए 2 मिनट दीजिए आप अपना बस स्काल्प पर। अगर आपके पास स्काल्प मसाजर नहीं है, अगर नहीं है तो मंगा लीजिए अगर आप चाहे तो, बिकॉज ये एक गेम चेंजिंग टूल है मेरे लाइफ में, मेरे बालों के लिए। तो आई एम सीरियसली टेलिंग, अगर आप ले सकते हो तो परचेज कर लीजिए, बहुत ही सस्ता सा आता है, अमेजोन पे आपको इजीली मिल जाएगा। अगर वो नहीं है या नहीं कर सकते हो, आपके हाथ जिंदाबाद। ये लीजिए, इस तरह से मसाज कीजिए अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए बस। सूखे बालों में, सूखे स्काल्प में भी कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑयलिंग करना है या ऑयलिंग करते समय आपको हेड मसाज करना है। अगर आपके पास लीव इन हेयर जेल है या आप चाहे तो एलोवेरा ले सकते हो, हल्का सा, हल्का सा, एकदम माइल्ड आई एम टेलिंग यू, हाँ, हल्का सा हाथ में से वैसे करके ऐसे दिखाने के हिसाब से लगा लीजिए अगर आपके पास टाइम हो तो। नहीं तो आप अपने ड्राई स्काल्प में ही हल्का सा 2 मिनट का मसाज लीजिए, या आप अपने पेरेंट्स, अपनी अम्मी, अपनी सिस्टर, उनको कहिए, वो कर देंगे आपको छोटी सी हल्की सी मसाज। फिर उसके बाद सोइए, एकदम अच्छी नींद आएगी। इसे हैबिट बना दीजिए, एवरी डे हर दिन कीजिए। आप 3 to 4 weeks में अगर आपने अपने बालों में चेंजेस नहीं देखा है, यू कैन टेल मी एनीथिंग, आई कैन गारंटी यू दैट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके काफ़ी बालों में ना एक थिकनेस आएगी, फुलर होगे, हेयर फुल होगे, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जितना होगा आपका हेयर ग्रोथ उतना ही फास्ट होगा। तो बेड टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, सोने से पहले ध्यान रखना है, कभी भी गीले बालों पर नहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बालों को गीला करके मत सोइए, उससे बाल काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं। उसके अलावा आप बालों को हमेशा एक लूज ब्रेड, छोटी सी हल्की सी जो ढीली चोटी नहीं आती है, ढीली चोटी बनाकर ही सोए। टाइट चोटी, ऐसी चोटी जिससे सर दर्द हो जाए, जिससे ये ऐसा खींच जाए, ऐसे बालों को बनाना बिल्कुल मना है मेरी तरफ से। अब आता है लीव इन हेयर जेल। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। अगर आप चाहते हो DIY लिव इन हेयर जेल चेक करना, आप मेरे चैनल पे जाइए, लिव इन हेयर जेल देख लीजिए, DIY आपको इजीली मिल जाएगा। ये आपको करना कब है, आपके नहाने के बाद। नहाने के बाद आप सीरम भी लगा सकते हो, अगर आप सीरम लगा देते हो तो आपको लिव इन हेयर जेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीरम नहीं लगाते हो तो आप लिव इन हेयर जेल लगाइए। अब ये आप सोच रहे होगे किन के लिए, जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं,
जिनको प्रॉब्लम होती है फ्रिजीनेस, डैंड्रफ, रफनेस, ड्राई हेयर, हर कोई मुझे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के बारे में पूछता है कि मैम सोनम जी मुझे मेरे बाल ड्राई हैं, मेरे बाल फ्रीजी हैं, मेरे बाल टूटते हैं, डैंड्रफ है, काफ़ी रफ रफ होते हैं। गो हेड एंड ट्राई यूजिंग द लिव इन हेयर जेल, जो आपको नहाने के बाद अपने हल्के से गीले बालों में मॉइस्चर लॉक करना है। मॉइस्चर लॉक मतलब जब आप अपने बाल थोड़े गीले रह जाते, थोड़े गीले थोड़े सूखे, उस समय आपके बाल के जो क्यूटिकल्स हैं ना वो ओपन रहते हैं। मतलब उस समय अगर आप कोई भी सीरम लगाते हो या कोई भी हेयर लिव इन हेयर जेल लगाते हो, क्यूटिकल्स ओपन रहते हैं, जिस वजह से आपके बालों के अंदर वो प्रोडक्ट चला जाता है। फिर जब बाल सूख जाते हैं क्यूटिकल्स बंद हो जाते हैं, जिससे कि आपका मॉइस्चर लॉक हो जाता है। सो आपके बालों में कभी भी आपको ड्राइनेस, फ्रीजीनेस, डैंड्रफ ये सारी इशू नहीं होगी। सो ऑलवेज डू योर मॉइस्चर लॉक रूटीन जो आपको नहाने के बाद करना है। अब आता है वीकली हेयर केयर रूटीन, यस, जो एक ही चीज़ आपको फॉलो करनी है बस, जिसमें आता है, काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो जिन्होंने देखा है उनको पता है, आई ऑलवेज यूज रोजमेरी वाटर एंड राइस वाटर। ये दोनों एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना एंड तक लिख लिया है कि मैं इन दोनों के बगैर तो बिल्कुल हेयर केयर नहीं करने वाली हूँ। मैंने इन चीज़ों को अपने नाम कर लिया है, बस वीक में एक बार ये चीज़ करना ही है। तो आप लोग अगर चाहे तो अपने हेयर पोरोसिटी और हेयर टाइप को चेक करने के साथ साथ इन चीज़ों को अपने हेयर केयर रूटीन में डाल दीजिए। फर्मेंटेड राइस वाटर अपने बालों में एक बार हफ्ते में कोई भी एक बार हेयर वॉश करने के 20 मिनट्स पहले स्प्रे कर दीजिए, हल्का सा स्प्रे, या ओवरनाइट, यस ओवरनाइट स्प्रे कर दीजिए, मसाज करके सो जाइए। राइस वाटर के बारे में ये मैं बता रही हूँ, वीक में एक से दो बार आप ये कर सकते हो। और एल्स आप रोजमेरी वाटर अपने बालों में नहाने के दो घंटे पहले स्प्रे कर दीजिए, मसाज कर दीजिए और हेयर वॉश कर दीजिए, या फिर आप ओवरनाइट लगाकर हेयर मसाज करके नेक्स्ट मॉर्निंग हेयर वॉश कर दीजिए। ये दो चीज़ों में से कोई भी एक रूटीन आप कंपलसरी ऐड कर दीजिए अपने बालों में, अगर आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर शेडिंग या हेयर की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, बाल्डनेस है आपके बालों में, काफ़ी ज़्यादा आपको हेयर फॉल हो रहा है जिससे थिनिंग हो रहा है, प्रेगनेंसी के बाद जो हेयर फॉल होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो हेयर फॉल हो रहा है, ये दोनों में से कोई भी एक रूटीन आप ऐड कर दीजिए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आता है हमारा लास्ट रूटीन जो है हेयर मास्क। हेयर मास्क इज अ मस्ट इन योर हेयर केयर रूटीन, हफ्ते में एक बार भी आप करोगे ना, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि मेरी सुनकर आप लोग हफ्ते में एक बार हेयर मास्क कर रहे हो, आपकी आधी से आधी प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो जाती है। मेरे चैनल पे हेयर केयर मास्क का एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे हेयर मास्क, जो भी हेयर मास्क है ना, सब बहुत ही अमेजिंग है, उसमें से कोई भी एक हेयर मास्क ले लीजिए, वीक में एक बार लगाए, बस एक बार लगाए नहाने के 45 मिनट्स पहले या 30 मिनट्स पहले। सो हेयर मास्क अपने बालों में ज़रूर लगाइए। हेयर मास्क इज़ अ प्रोटीन जो आपके बालों को मिलता है, जैसे हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी चेंज होती है, हमारे बॉडी को खाना मिलता है, उसी तरह से हमारे बालों को भी खाना चाहिए, तो हम उसे खाना देंगे हेयर मास्क के तौर पे, उसे प्रोटीन, विटामिंस, मिनरल, जिंक, हर चीज़ मिलेगी एज अ हेयर मास्क। जब आप अपने बालों को हेयर मास्क लगाते हो आपके बालों में एक जान आ जाती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, तो ज़रूर हेयर मास्क अपने रूटीन में ऐड कर दीजिएगा। सो आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखा होगा, आई एम श्योर देखा ही होगा। आप जो लोग यहाँ आए हैं मुझे इतना तो पता है आप सभी को अपने बाल बहुत प्यारे हैं। सो उसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट्स है, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, एंड ज़रूर इन सारे बेसिक चीज़ों को, या अगर हो सके तो इनमें से कुछ बेसिक चीज़ों को जो इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, आपके बालों में ज़रूर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, टिल द टाइम take care of yourself, bye bye.